हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट मतलब पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेविंग स्कीम है और बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला सेविंग स्कीम है। इस वीडियो में हम इस सेविंग स्कीम के बारे में जानेंगे। उसके अलावा अप्रैल 2020 से जो चेंजेस हुए हैं और उस चेंजेस से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि क्या 2020 में पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं, इस चीज के बारे में भी हम इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट की कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो 1 से 3 साल तक का होता है या तो 5 साल तक का होता है। 4 साल तक का कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान हमें नहीं मिलता। हम 1 साल 2 साल या 3 साल का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके बाद सीधा हम 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, मतलब हमें लमसम एक अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। यह हमें हर साल एक फिक्स्ड इनकम देता है, जिसे हम इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम हमें मिलता है हर साल। उसके अलावा दोस्तों, ये जो स्कीम है वो आपको हर पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि कौन पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माइनर के नाम पर भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मतलब जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनके नाम पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट की देखभाल आपको ही करना पड़ता है। उसके अलावा अगर 10 साल से ऊपर का माइनर है तो वो अकाउंट भी ओपन कर सकता है और अकाउंट को ऑपरेट खुद से कर सकता है। तो ये हमें पता चल गया कि कौन अकाउंट ओपन कर सकता है, कौन ऑपरेट कर सकता है। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर के बारे में। कितने भी अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं, कोई भी रोक नहीं। आप 10, 20, 30 जितने भी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई भी रोक नहीं है। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। इनकेस अगर कोई अनसर्टेनिटी होता है तो पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। इनकेस अगर हम शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो अकाउंट को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है। 2 या 3 अडल्ट मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट है तो उसको ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो ये तो कुछ बेसिक फीचर हो गए। अब हम जानते हैं कि कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें 1000 रुपए का करना पड़ता है। मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, 1,00,000 करोड़ तक का भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रिस्क फ्री होता है। जैसे आप जानते हैं बैंकों में अब 5 लाख तक का अमाउंट रिस्क फ्री होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करें पूरा का पूरा पैसा रिस्क फ्री होता है, कोई डूबने का खतरा नहीं होता है। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब हम जानते हैं इनकेस अगर हमें प्री मैच्योर क्लोजर करना है, मतलब हमने डिपॉजिट किया हुआ है लेकिन मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही हमें कोई अर्जेंसी आता है, तो क्या हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि हम FD को तोड़ने वाले हैं, तो क्या तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन 6 महीने से पहले नहीं तोड़ सकते। 6 महीने के बाद हम FD को विड्रॉ करा सकते हैं, प्री मैच्योर क्लोजर हम करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं टैक्सेबिलिटी की, मतलब टैक्स से रिलेटेड क्या बेनिफिट हमें मिलता है। दोस्तों, डिडक्शन हमें मिलता है सेक्शन 80C के तहत, लेकिन सिर्फ 5 साल वाले FD में। 1, 2 या 3 साल का FD लेते हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान देना। TDS नहीं लगता है, मतलब TDS डिडक्ट नहीं होता है पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम पर, 1-2 स्कीम को छोड़कर। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर TDS डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि इंटरेस्ट जो मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, उस पर टैक्स लग सकता है। अगर हमारा इनकम ज्यादा है तो टैक्स लग सकता है। अब दोस्तों, हम कुछ बात इंटरेस्ट के बारे में भी कर लेते हैं जो हमें इनकम मिलता है। दोस्तों, इंटरेस्ट हमें मिलता है एनुअली, मतलब हर साल मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि ये कंपाउंड होता है क्वार्टरली, मतलब जो भी इंटरेस्ट 3 महीने में जमा होता है वो हमारे प्रिंसिपल में जुड़ जाता है और उस इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट हमें मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट अप्रैल 2020 से कम हो गया है। पहले इंटरेस्ट रेट अगर 1 से 3 साल तक का हम फिक्स डिपॉजिट कराते थे तो उस पे मिलता था 6.7% और ये अब काफी घट गया है, हो गया है 5.50%, मतलब बहुत ही ज़्यादा गिरावट हुआ है इंटरेस्ट रेट में। और इस रेट से अगर हम कुछ डिपॉजिट के बारे में बात करें, जैसे अगर हम 10,000 डिपॉजिट करते हैं
तीन साल के लिए, तो हमें देखिए ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा 561 रुपये और मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा टोटल 11,624 रुपया, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों भी शामिल होता है। इसी तरीके से 50,000 का करेंगे तो 2,807 रुपये हमें हर साल इंटरेस्ट मिलेगा और मेच्योरिटी के समय मिलेगा 58,422। इसी तरीके से 1,00,000 करेंगे तो 5,614 रुपये मिलते हैं और मेच्योरिटी मिलता है 1,16,843 रुपया। उसी तरीके से 5,00,000 है और 10,00,000 है, आप वीडियो को पॉज करके अमाउंट देख सकते हैं यहाँ पर और मैच्योरिटी अमाउंट भी देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं 5 साल का अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट में काफ़ी गिरावट हुआ है। अप्रैल 2020 से 1% का गिरावट हुआ है, पहले 7.70 के आसपास था, अब ये घटकर 6.70 हो गया है। और इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इस रेट पर तो देखिए 10,000 अगर इन्वेस्ट करेंगे इस रेट से तो 5 साल के लिए तो हमें 13,435 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, हर साल 687 रुपये हमें इंटरेस्ट मिलता है। 1,00,000 रुपये अगर डिपॉजिट करते हैं तो 6,870 रुपये हमें इंटरेस्ट मिलता है हर साल और मैच्योरिटी अमाउंट टोटल हो जाता है 1,34,351 रुपये। उसी तरीके से अगर 10,00,000 का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 68,702 रुपये हमें इंटरेस्ट मिलता है हर साल और मैच्योरिटी अमाउंट होता है 13,43,511 रुपये। और बीच में 5,50,000 भी आप पॉज करके देख सकते हैं इंटरेस्ट अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट। दोस्तों यहां पर हमने चार्ट देख लिया 5 साल के FD का भी, आज का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस हिसाब से। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि इतनी भारी गिरावट के बाद क्या अब हमें पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका हमें ध्यान में रखना है। भारी गिरावट हुआ है पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक फैक्टर का और ध्यान देना है, जो क्राइसिस अभी चल रहा है वायरस का, उसकी वजह से जो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट हैं उसमें भी भारी गिरावट हुआ है और जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है जैसे ये पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट उसमें भी भारी गिरावट हुआ है। तो इन सब चीज़ को अगर कंपेयर करके देखा जाए तो ये जानना हो कि पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट रिस्क फ्री अमाउंट है, यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं आता, आपका जो पैसा है और जो इंटरेस्ट है दोनों आपको मिलना ही मिलना है। उसके अलावा अगर इंटरेस्ट रेट की बात किया जाए तो आज की तारीख में भी पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बैंक से ज़्यादा है, जो प्राइवेट बैंक है या पब्लिक बैंक है उनसे ज़्यादा ही है फिलहाल आज की तारीख में। उसके अलावा दोस्तों ये शॉर्ट टर्म पीरियड का इन्वेस्टमेंट होता है, 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल का भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी, क्योंकि जैसे हम क्राइसिस देख रहे हैं वायरस का या रिसेशन में जाएगा तो वहां पर हो सकता है आपको पैसे की जरूरत पड़ते रहे समय समय पर, तो पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने पर आपका लिक्विडिटी भी रहेगा, आप 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल तक का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें बेनिफिट मिलता है टैक्स डिडक्शन का, तो हमारा जो इनकम टैक्स होगा वो भी कुछ हद तक रिड्यूस हो सकता है, टैक्स हम बचा सकते हैं अगर 5 साल का FD हम चूज करते हैं तो। उसके अलावा TDS डिडक्ट नहीं होता, जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा उस पर TDS डिडक्ट नहीं होता, हालांकि इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, ऑलरेडी मैंने इसको बताया हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका हमें ध्यान में रखना है और ये पॉइंट्स अगर आपको सही लगते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट में अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कंपेयर किया जाए मार्केट से तो आज की तारीख में जो भी इंस्ट्रूमेंट है, रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट हो या रिस्क फ्री, सब में गिरावट है, भारी गिरावट है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।